Hello everyone, this is Naman and today in this video I'm gonna talk about, yes I know you already know as the title speaks all. So yes, I'm gonna talk about the Xiaomi's Mi A2. Yes guys, it's finally launched in India. Not launched, it will be launched in August, around 5 to 8 August. So this is just a revision of Mi A1 with some upgradable specs. So I'm in this video I'm gonna talk about the specs, and I think about my opinion, you should buy this phone or not. I'm gonna share my opinion and for this new upgradable, or we can say revision of Mi A1. So why I told revision? Because they did not change anything in this phone. First of all, the screen is something like the 16:9 ratio, which is running in trend. So usme koi khas baat nahi hai. Screen 16:9 ka hai, aur the कैमरे में थोड़ी बहुत चेंजेस है, और फाइनली जो मेन जिस चीज़ से ट्विटर पे मैंने पढ़ा, जिस चीज़ से उनको मेन पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, द चिपसेट, लाइक दे आर यूजिंग 625 चिपसेट अ लॉट. सो राइट नाउ दे आर इन दिस फोन दे आर यूज 660 स्नैपड्रैगन. सो पीपल आर हैप्पी अबाउट दिस कि चलो फाइनली कुछ तो अपडेट हुआ. तो अगर हम फ़ोन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ खास है नहीं है. आप बॉक्स देख सकते हैं, जो ये सिंपल सा बॉक्स है. इसके अंदर चार्जर है और यूएसबी टाइप सी है, और यूएसबी टाइप सी टू 3.5 mm जैक का कन्वर्टर दिया है. हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसमें हेडफोन जैक नहीं है. उन्होंने जैक हटा दिया. आई डोंट नो वाई दे डू दिस, लेकिन उन्होंने जैक हटा दिया है. और सिम इजेक्टर टूल है, डोंगल है, और एक सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल Xiaomi कर रहा है, वो सिलिकन बैक केस इस फ़ोन के साथ देता है. तो सिलिकन बैक केस उस फ़ोन के साथ, इस फ़ोन के साथ दिया गया है. और अगर बात करें चार्जर की, तो चार्जर 5 वॉट का है, जो ऑब्वियसली इट लेट डाउन बिकॉज इट्स नॉट एन फास्ट चार्जर. वी हैव टू सी कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता. लेकिन इन दिस बॉक्स द चार्जर विच वी दे आर प्रोवाइडिंग, दैट चार्जर इज़ नॉट अ फास्ट चार्जर. सो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इज़ नॉट चेंज दैट मच, बिकॉज देर इज़ नो नॉच इन द फोन, बिकॉज नॉच इज़ अ ट्रेंड एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द नॉच. सिंपल सा Redmi 5 और Redmi Note 5 Pro की तरह डिस्प्ले है. और अगर बात करते हैं हम कैमरे की, तो कैमरा इसका 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. हाँ, आपने सही सुना, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रहा है ये. अपर्चर अराउंड 2.2 के साथ, और इसका कैमरा बहुत अच्छा है मैंने सुना है. और इसका जो रियर कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है. कैमरे का मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, एंड यू कैन सी आई हैव, सो दे आर सेइंग कि लाइक कैमरा बहुत अच्छा है. तो कैमरा की पिक्स और कुछ इमेज सैम्पल जो Xiaomi ने अपने ट्विटर और हैंडल पे और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली थी, तो आई कैन शो यू, सो यू कैन सी. यस, दीज आर सम इमेजेस, लाइक दिस इज़ अ मनु जैन हु इज़ होल्डिंग अ फ़ोन. सो ये एक पिक बहुत अच्छी आई है, और ये एक और एक्ट्रेस की है. ये रियर कैमरे से लिए गए हैं दोनों फ़ोटो, और जो बोके इफेक्ट, जो इसका पोर्ट्रेट मोड है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. मतलब अगर हम कंपेयर करें वन प्लस 6 के फ़ोन से, तो कंपेयर अच्छा खासा दे रहा है. सेचुरेशन और कंट्रास्ट वगैरह बहुत अच्छा आया है इसका, लाइक दे आर वर्किंग वेरी गुड. और अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 5.99 इंच का डिस्प्ले है, एंड इट्स जस्ट अबाउट 2160x1080 पिक्सल, एंड द एक्सपेक्ट रेशो इज़ अराउंड 18:9, और पी पी आई इसका पिक्सल पर इंच इट्स अबाउट 403, जो कॉमनली सब में होता है. इसमें द कॉन विच आई फाउंड द लाइक दे डोंट प्रोवाइड एक्सपेंडेबल मेमोरी. सो देर विल बी नो एक्सपेंडेबल स्लॉट फॉर इन विच यू कैन यूज मेमोरी कार्ड. यू जस्ट हैव टू, यू कैन यूज जस्ट ओनली 2 सिम्स, नो मेमोरी कार्ड. एंड यस, द कैमरा पोजिशन इज़ वर्टिकल,
like iPhone 10, they are following iPhone 10 badly. They have given a good upgrade in video recorder too, because they are providing 4K video now, so you can record a video of 4K. If we talk about the OS operating system, so operating system is pure Android, because it runs on Android 1, so they are providing 8.1 out of the box, and the portrait mode is there on front and rear both, and they are providing flash on front camera also. And as we talk about the chipset, they are providing Snapdragon 660 octa core. And the one more letdown thing is, there one con which I found in this phone is, like, they are providing 3010 mAh battery, and they are providing such less battery, and they are also not providing a quick charger. So what I feel like it's very I don't feel good, like they are not providing a good fast charging and all. And if we talk about the pricing is not fine officially launched, but it will be like around 14 to 18 thousand, in between this price range. And if we talk about the sensor, we will find all kind of sensor. Sound is also, I think it will be a good. I've read in one blog, the sound is also good. And the internal will be around 128 GB and 6 GB of RAM, and there will be another version of that will be of 32 or 64 GB of ROM and 4 GB of RAM, I think. And that's it. This is the we can also say the body is about front glass will be the aluminium body. They are not providing a Gorilla Glass 6. This is the latest Gorilla Glass, but they are not providing that. And this is the initial impression of MIA2, which I don't find good, because MIA1 is beast, but this is just an revision, and you can say 2-3 specs are changed and nothing else. They should provide a full screen display, but they are not providing. So let's see when it comes, and I will review it if I get hands on at it. And okay guys, thank you so much for watching this video, for listening in my opinion on this video. Please subscribe this channel and like this video, because I am a new YouTuber, and I'm creating and I'm searching a lot content of related to technologies and gadgets. So please do support me, please subscribe and like and share my video, and thank you so much. Bye bye.